आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे आपका, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आपका आपका लास्ट टॉपिक है, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाली यूनिट आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड को यूज करते हुए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या देख रहा है, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस थ्री डी माइनस वन इंटू वाई इक्वल्स टू टी स्क्वायर इंटू ई टू पावर टी, ठीक है। और कुछ कंडीशंस दे रखे हैं, वाई जीरो क्या है, वन है, वाई डैश जीरो क्या है, जीरो है, वाई डबल डैश जीरो क्या है, माइनस टू है। तो इसे यूज करते हुए आपको क्या करना होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, डी क्यूब दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दे रखा है ट्रिपल डिफरेंशिएशन, ठीक है। डी स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब क्या है, डबल डिफरेंशिएशन। यहां पे क्या दे रखा है, सिंगल डी दे रखा है, इसका मतलब एक बार उससे डिफरेंशिएट किया, मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, हम वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई जैसे मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब क्या है, डी क्यूब इंटू वाई, इसका मतलब क्या है, वाई को हम क्या कर रहे हैं, तीन बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं, वाई ट्रिपल डैश माइनस थ्री y डबल डैश प्लस थ्री वाई डैश माइनस वाई इक्वल्स टू टी स्क्वायर इंटू ई टू पावर टी, समझ गए यहां तक। अब देखो, अब क्या कर लेना, सबका लाप्लास ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ y डबल ट्रिपल डैश माइनस थ्री लाप्लास ऑफ y डबल डैश प्लस थ्री लाप्लास ऑफ y डैश माइनस लाप्लास ऑफ y इक्वल्स टू y सॉरी इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई टू पावर टी, समझ गए यहां तक। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव मैंने बढ़ाया था, राइट। लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है आपका, मैंने आपको सेकेंड डिफरेंशिएशन तक पढ़ाया था, राइट, ठीक है। तो उसके आगे का अगर आपको ट्रिपल डिफरेंशिएशन आ जाता है, फोर टाइम डिफरेंशिएशन आ जाता है, तो हम कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक फॉर्मूला आप देख लो, उसी पे फॉर्मूले पे बेस्ड हम सारे मतलब जो भी आपका है उसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे हमें क्या क्या लिखना है, y ट्रिपल डैश, ठीक है, इसका लिखना है। तो इसे हम फॉर्मूले पे कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला रहा, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, अगर मान लो यहां पे n की जगह हमें क्या देखा, वाई ट्रिपल डैश दे रखा है, मतलब n की वैल्यू क्या हमें दे रखी है, थ्री दे रखी है, ठीक है। n की वैल्यू थ्री दे रखी है, तो आप क्या करोगे, s थ्री लाप्लास ऑफ क्या हो जाएगा, y, ठीक है, समझ गए, ऐसे ही आ रहा है आपको फॉर्मूले में। माइनस यहां पे क्या होते, s थ्री माइनस वन f ऑफ जीरो माइनस s थ्री माइनस टू एफ डैश जीरो माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, एस थ्री माइनस थ्री एफ डबल डैश जीरो, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसकी बात करेंगे तो माइनस वाली टर्म आ जाएगी, तो हमें नहीं जाना है। तो इसे आप जब सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा आपका, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ वाई लाप्लास ऑफ वाई माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा, एस एफ डैश जीरो, ठीक है, समझ गए, आ रहा है ना। और यहां पे क्या आ जाएगा आपको, माइनस एस टू पावर जीरो क्या होता है, वन ही होता है, तो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश जीरो। तो हमें कहां तक जाना है, जहां तक आपका टर्म एस थ्री पावर जीरो हो जाएगा वहीं पे आपको रुक जाना है। तो इस तरह से आप किसी किसी का भी लिख सकते हो। अगर यहां पर मान लो कि यहां पर फोर टाइम्स होता तो एन की जगह फोर कर देते, तो वैसे पुट करके यहां तक आपका जाता, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी मतलब डिफरेंशियल डेरिवेटिव का लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, वाई ट्रिपल डैश को क्या लिख दिया, एस क्यू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई माइनस एस स्क्वायर वाई ऑफ जीरो माइनस एस वाई डैश जीरो माइनस वाई डबल डैश जीरो, ठीक है, फॉर्मूले में लिख दिया, माइनस थ्री, ठीक है, थ्री आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेंगे। अब क्या बच जाएगा, वाई डबल डैश का लिखना है, तो सिमिलरली आप वैसे ही लिख लोगे,
उसी फॉर्मूले में पुट करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई माइनस एस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश जीरो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब ये क्या हो गया, यहां पे वाई डैश है, थ्री एस लाप्लास ऑफ वाई माइनस वाई जीरो माइनस वाई माइनस लाप्लास ऑफ वाई इक्वल्स टू, इसका आप करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे हमने क्या किया, पहले आपका इसका क्या होता है टी स्क्वायर का क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू एस क्यू, ठीक है, और क्या है आपका ई टू द पावर टी से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब शिफ्टिंग थ्योरम लग रहा है, तो क्या हो जाएगा टू अपॉन एस माइनस वन का होल क्यू। ठीक है, ये तो आपने बहुत बार सॉल्व कर लिया तो उसे बताने की जरूरत नहीं है आपको, तो यहां तक आ गया आपका राइट। अब आप क्या करो, लाप्लास ऑफ वाई इसे क्या करो कॉमन ले लो, तो यहां से देखो यहां से आपने कॉमन ले, ये क्या हो जाएगा एस क्यूब बच गया, फिर यहां यहां पे भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एस स्क्वायर बच जाएगा, और फिर कहां पे है आपका एक यहां पे है, ठीक है, तो क्या बच जाएगा प्लस थ्री एस बच जाएगा, और एक यहां पे है तो माइनस वन। ठीक है, अब देखो अब क्या है आपका एस स्क्वायर वाई नॉट वाई जीरो आपका क्या था वन था, क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन माइनस वाई डैश जीरो, वाई डैश जीरो आपका क्या जीरो है तो एस इंटू जीरो, ठीक है, वाई डबल डैश जीरो जीरो क्या आपका माइनस टू है तो माइनस माइनस टू। ठीक है, प्लस ये वाले टर्म को तो हमने कॉमन ले लिया, ये वाला बचा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एस इंटू वाई जीरो क्या आपका दे रखा है थ्री भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एस थ्री इंटू वाई जीरो आपका क्या है वन है, तो हमने वन पुट कर दिया। ठीक है, प्लस माइनस क्या आपका वाई डैश जीरो, तो वाई डैश जीरो आपका क्या था जीरो था तो हमने जीरो पुट कर दिया, यहां पे ये वाले टर्म को तो हमने यहां पे कॉमन ले लिया, बचेगा क्या माइनस माइनस थ्री वाई जीरो। ठीक है, तो यहां पे आपका वाई जीरो क्या है वन है तो माइनस थ्री इंटू वन इक्वल्स टू टू अपॉन एस माइनस वन का होल क्यूब। यहां तक समझ में आ गया, जब आप इस टर्म को सॉल्व करोगे ये जो ये सारे हैं आपका ये बचा ये हुआ ये और ये, तो मैंने क्या किया इस साइड लेके आ गई मैं, ठीक है, इस साइड लेके आ गई तो क्या बच जाएगा आपका बताओ, देखो ये वाले टर्म को मैंने क्या लिख दिया, इससे आप क्या लिख सकते हो, ये जो है a प्लस सॉरी a माइनस बी का होल क्यूब, इस फॉर्मूले पे आप ब्रेक कर सकते हो, इस फॉर्मूले पे आप ब्रेक करोगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं s माइनस वन का होल क्यूब, और ये वाले टर्म को मैं इस साइड ले आई तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर, इसे इस साइड ले आ जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस s, और यहां पे देखो यहां पे क्या था आपका प्लस टू यहां पे माइनस थ्री तो क्या हो जाएगा माइनस वन, और इस साइड ले आओगे तो प्लस वन, और ये तो पहले से था टू अपॉन एस माइनस वन का होल क्यूब। ठीक है, अब क्या करो ये वाले टर्म को इस साइड ले आओ, ये वाले टर्म को यहां पे नीचे ले आए तो ये क्या हो गया एस स्क्वायर माइनस थ्री एस प्लस वन अपॉन एस माइनस वन का होल क्यूब प्लस, एक सेकंड, यहां तक हो गया, ये वाले टर्म को आप क्या नीचे लेके आ गए तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस थ्री एस प्लस वन का प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस माइनस वन का होल क्यूब प्लस टू एस माइनस वन का वन टू द पावर सिक्स हो जाएगा। समझ गए, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाले टर्म को आप क्या लिख सकते हो एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस वन माइनस एस लिख सकते हो ना, मैंने क्या किया थ्री एस को क्या लिख दिया टू एस माइनस एस, तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा एस माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, और टर्म क्या बच गया आपका माइनस एस, तो वही लिख दिया मैंने यहां पर एस माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एस, ठीक है, अपॉन एस माइनस वन का होल क्यूब प्लस टू एस माइनस वन टू द पावर सिक्स। यहां तक आपको समझ में आ गया राइट। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, तो इसे आप ऐसे लिख दो, अलग अलग कर टर्म करके लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, तो यहां से क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या वन अपॉन एस माइनस वन अपॉन एस
वन माइनस एस का होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस टू एस माइनस वन का एस माइनस वन टू द पावर सिक्स। ठीक है, ये आ गया आपका टर्म। अब इसे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। देखो यही टर्म आया था तो हमने एज इट इज लिख लिया। अब देखो इससे भी क्या, यहां इसका हमें क्या, इससे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। यहां पे देखो, यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो अब हम क्या, यहां पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग सकती है जब अगर ऊपर में भी क्या हो जाए, माइनस वन हो जाए। तो हमने क्या किया, माइनस वन प्लस वन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और यहां पे एज इट इज इसे रहने दिया, क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस माइनस वन माइनस, आप इसे भी अलग अलग लिख लो, यहां पे क्या हो जाएगा, एस माइनस वन अपॉन एस माइनस वन का होल क्यूब। तो यहां पे क्या बच जाएगा, वन अपॉन एस माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस माइनस वन का होल क्यूब प्लस टू अपॉन एस माइनस वन टू द पावर सिक्स। ठीक है, ये बच गया। अब क्या करना होगा, हमें वाई की वैल्यू निकालनी थी, तो यहां पे क्या कर लेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन सबका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको लेना होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वन 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 अपॉन एस माइनस वन का क्या हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका, यहां पे मैंने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दी है, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वन माइनस वन वन अपॉन एस माइनस वन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, ई टू द पावर टी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि पहले वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, मतलब इनवर्स, यहाँ पे क्या है, वन एस माइनस वन है, इसका मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने यूज की है। तो मैंने क्या किया, पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हटा दिया, तो e टू पावर t लिख दिया, तो बचेगा क्या, वन अपॉन एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है, वन होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को पहले मैंने हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर t, और तो बच क्या जाएगा, वन अपॉन एस स्क्वायर। यहां पे मैंने पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को साइड कर लिया, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर t इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन एस क्यूब प्लस टू इंटू ई टू पावर टी वन अपॉन एस टू पावर सिक्स। ठीक है, तो यहां से क्या बच गया, ई टू पावर टी माइनस ई टू पावर टी, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है आपका, वन अपॉन एस एन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपका, टी टू पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। तो यहां पे एन की वैल्यू क्या है आपकी, टू है, तो क्या हो जाएगा, टी टू पावर टू माइनस वन, तो टी हो जाएगा और अपॉन वन हो जाएगा माइनस ई टू द पावर टी, यहां पे क्या है, टी आपकी एन की वैल्यू क्या है, थ्री है, तो क्या हो जाएगा, टी टू द पावर थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल टू हो जाएगा प्लस टू ई टू द पावर टी, यहां पे आपकी एन की वैल्यू क्या है, सिक्स है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे पुट करो, क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, टी टू द पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल ऑफ फाइव। ठीक है, तो yt क्या हो गया आपका, e टू द पावर t को हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा वन माइनस टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा, इसका फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा, फोर इन फाइव इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, दैट इज 120। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अपॉन 120, तो टू से 120 को कट करोगे क्या बचेगा, t टू द पावर फाइव अपॉन 60। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, राइट, समझ के। तो जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन होंगे ऐसे ही सॉल्व करोगे आप।